जिस देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए खुद हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर झाड़ू लगाते हों, उस देश में अगर इस अभियान का मजाक बने तो इससे बड़ा देश का और कुछ दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बस्ती के अधिकारी सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वच्छता अभियान का ऐसा माहौल उड़ाया कि पूरे देश में थू-थू ही, बावजूद अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक टॉयलेट के अंदर कभी दो दो सीट लगाने तो कभी बिना दरवाजे और छत के ही शौचालय बनाने का रिकॉर्ड बस्ती जनपद के ही अधिकारियों ने ही बनाया है। लेकिन इस बार विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने सामुदायिक शौचालय के नाम पर ऐसा खेल खेला कि तस्वीरें देखकर यकीनन आपको गुस्सा आ जाएगा। बहादुरपुर ब्लॉक के रामनगर गांव में बने सामुदायिक शौचालय की स्थिति माशाल्लाह है। शौचालय का निर्माण पूरा नहीं कराया गया, लेकिन लगभग 7 लाख का बजट निकालकर सेक्रेटरी व प्रधान ने बंदर बांट कर लिया। इस शौचालय में ना तो टॉयलेट सीटें हैं, ना तो दरवाजे हैं, यहाँ तक कि छत भी नहीं लगाई गई है। हालत यह है कि पूरा शौचालय जंगल में तब्दील हो गया है। अगर आप शौचालय के अंदर प्रवेश करना चाहें तो बामुश्किल ही आप अंदर पहुंच पाएंगे, और अंदर पहुंच भी गए तो वहां का नजारा आपको हतप्रभ कर देगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल पहले 7 लाख का बजट खर्च करके स्वच्छता अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, मगर सेक्रेटरी ने धन तो पूरा निकाल लिया मगर काम अधूरा छोड़कर चले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि यह सरकारी सामुदायिक शौचालय आज अपनी बधाई पर आंसू बहा रहा है। कितने साल पहले आधा अधूरा काम हुआ है। जो पहले प्रधान थे उन्होंने इतना काम कराया, जो मौके के प्रधान है उन्होंने जो किया ही नहीं, इसमें तो निकल गया। हम सुन रहे हैं लोगों से, ये सर हो गया 3-4 साल हो गए। नहीं तो एक्शन आ गया था बीच में, उसके बाद से काम रुक गया था। अभी मौके के प्रधान जो है तो फिर उनको काम कराना चाहिए था, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जांच कराई गई थी और काम कंप्लीट न होने की शिकायत आई थी, और वहाँ के जो भी सचिव थे इस रार को सस्पेंड भी कर दिया गया है, उनके लिए रिकवरी का आदेश पारित किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नहीं नहीं, इसमें हम लोगों ने टीम बना रखी है, हर ब्लॉक वार टीम बनी है, वो जांच भी होती रहती है और ये प्रयास होता है कि जो भी हमारे सामुदायिक शौचालय बने हैं वो फंक्शनल रहें, वहाँ के जो हमारे केयर टेकर लगी वो काम करे, प्रधान और सचिव उसको नियमित रूप से देखते रहें, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिर भी कहीं अगर इस तरह कोई भी संगति आती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं बिल्कुल की जाएगी, उसको सही भी कराया जाएगा और उनसे रिकवरी भी कराई जाएगी सचिव।